वेब द्वारा प्रोवाइडेड जो अलग अलग सर्विसेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ई लर्निंग, ई लर्निंग यानी कि पढ़ना किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, यानी इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। हम नॉर्मल कैसे पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पढ़ते हैं। ई लर्निंग एक इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है टेक्नोलॉजी यूज करके। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, कोई नॉलेज चाहिए, कहां से लेंगे आप? या तो किसी के पास जाएंगे या पढ़ेंगे, लेकिन अगर उनके पास नहीं है या फिर वो एक्सेसिबल नहीं है तो तरीका है ई लर्निंग का। तो यहां पर एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं टीचर, आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को या कंपनी के एम्प्लॉयज को टीच कर रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे हमारे IITs है, ISC है, और जो कंपनी है वो इस तरीके से कोर्सेज डिजाइन करते हैं ताकि वो आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या अपने स्मार्ट डिवाइसेस पे देख सके, उन्हें पढ़ सके। यूट्यूब भी एक ऐसा ही माध्यम है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी चीज आती है, लेकिन लर्निंग की भी पूरी सुविधा अवेलेबल है। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपको क्लासरूम में नहीं जाना है, लेकिन मैं इसको बता दूं आपको इससे पहले कि मैं इसकी अच्छाइयां बताऊं या इसके बारे में डिस्कस करूं। हमेशा जो क्लासरूम टीचिंग होती है, 1-to-1 टीचिंग होती है, जब आपके टीचर साथ में होते हैं, वो सबसे अच्छी टीचिंग होती है। इससे अच्छी कोई टीचिंग नहीं, चाहे आप कितनी भी ई लर्निंग कर लें, इससे बढ़िया कोई टीचिंग नहीं। अब कोई ऐसा है जिसने जो क्लास नहीं अटेंड कर पाया, बीमार है या कोई और दिक्कत है, कोई चीज उसको समझ में नहीं आई क्लास में, वो कहां से समझेगा? वो ई लर्निंग से, ई क्लासरूम से समझ सकता है। वो अपने घर पे बैठे बैठे, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपने पार्क में बैठ के चीजें सीख सकता है। ये इस तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि एक स्लो पेस पे, धीरे पेस पे चले, और जो नॉलेज हो वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए कोर्सेज के फॉर्म में। इसमें क्विजेस भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, और क्विजेस के सॉल्यूशन, एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। ये डायरेक्टरी या सर्वर में रखते हैं इस कोर्स को, जैसे यूट्यूब है इसकी, इसका कोई एक सर्वर होगा जहां पर, या फिर कोई यूडेमी है या अनअकैडमी है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर आप यूजर एक्सेस कर सकता है। हो सके तो कोई कंपनी इसे, इन्हें CD प्रोवाइड कर दे या पेन ड्राइव में डेटा दे दे या वीडियोस दे दे, उसे वो पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन ट्यूटर इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ह्यूमन ट्यूटर इंटरेक्शन से अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन एडवांटेज ई लर्निंग का ये है कि आप एक साथ, मान लीजिए आपने कोई वेबिनार किया, वेबिनार होता है वेब में सेमिनार, यहां पर एक साहब बैठे हैं और वह वेबिनार कर रहे हैं, विश्व के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हो वो इन्हें सुन सकता है, इनसे ज्ञान अर्जित कर सकता है, इनसे सवाल पूछ सकता है। जिसका फायदा ये है कि आपको जरूरत नहीं कि वो साहब जो बता रहे हैं वो हर जगह पहुंचे, वो एक जगह बैठ के उस टाइम पे चीजें बता सकते हैं, और नहीं अगर उस समय कोई सुन सके तो वो रिकॉर्डेड हो सकता है, रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग बड़ी फास्ट हो गई, लर्निंग फास्ट हो गई, और जो स्पीड है, अलग अलग तरीके से अगर आपको वीडियो दिख रहा है आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए अगर आपके पास समय कम है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसकी स्पीड कम करके देखिए ताकि आपको सही से सुनाई दे, समझ में आए, और कमेंट में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी के थ्रू, अलग अलग आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं। आज एक छोटा बच्चा भी, एक अगर उसके हाथ में स्मार्ट डिवाइस है, वो इससे लर्न कर सकता है। बच्चे ABCD पढ़ रहे हैं, बच्चे अलग अलग राइम सीख रहे हैं इससे, और स्कूल में जाते हैं तो वो अपने आप को एक एज पाते हैं कि वो चीजें जानते हैं। ये सब ई लर्निंग से पॉसिबल है। तो ई लर्निंग ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप लाइव ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं और क्लारिफिकेशन भी साथ में कर सकते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस है जिसको आप ऑनलाइन कह रहे हैं, ई लर्निंग कह रहे हैं, या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कह रहे हैं। आप क्लास वर्क को शेड्यूल कर सकते हैं वर्क के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। ट्रैवल टाइम बच जाएगा, टीचर को हर जगह जाना नहीं पड़ेगा, बच्चों को हर जगह जाना नहीं पड़ेगा, और ऑफ कैंपस जो स्टूडेंट्स है, जैसे आपकी डिस्टेंस लर्निंग होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा।
साथ में आपको लर्निंग मटेरियल भी मिल सकता है, उसके लिंक में पीडीएफ मिल सकते हैं, उसके लिंक में आपको पीपीटीज मिल सकते हैं, तो आपके नॉलेज और इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें मिलेगी। स्टूडेंट कहीं भी पढ़ सकते हैं, बस उनके पास कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सेल्फ पेस्ड या एक तरीके से स्पीड के हिसाब से जो मॉड्यूल्स बना जाते हैं, आप देखेंगे कि अगर कोई मॉडरेट इंटेलेक्ट का स्टूडेंट है वो भी उसे समझ सकता है, कोई बहुत अच्छे आईक्यू का स्टूडेंट है वो भी उसे समझ सकता है, सब लोगों के लिए, क्योंकि समझना सबको है और सब इससे समझ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अब किसी समय कोई डिस्कशन चल रहा है, कई लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो ईमेल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं टीचर से। अलग अलग लर्निंग स्टाइल से आप जुड़ते हैं और अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू आप जुड़ते हैं, सीखते हैं। कैसे, मैं एक बात कहता हूं कि आपके एक टीचर है मिस्टर एक्स, यहां पर 60 स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें से हो सकता है कि 40 को उनकी बात समझ में आती हो, 20 को उनकी बात समझ में ना आती, पॉसिबल है, क्योंकि हर इंसान का इंटेलेक्ट लेवल या समझने की शक्ति अलग अलग होती है, कई लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं, कई लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं। तो ये 20 क्या करें, उनको तो इनकी बात समझ में नहीं आ रही, इसको समझने के लिए हो सकता है वो कोई एक ऑनलाइन कोर्स कर ले, किसी और से पढ़ ले, कोई इनके पास कोर्स मटेरियल कहीं और से ऑनलाइन या ऑफलाइन ला सकते हैं। तो ये 20 और ये 40 सभी को फायदा हो जाए। ये टीचर है एक, और ये एक कॉलेज मान लीजिए, मतलब आईआईटी की बात करता हूं, एक आईआईटी में ये डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे कितने आईआईटी हमारे पास, एक साथ ऑनलाइन के थ्रू ये सारे आईआईटी में जुड़ सकते हैं एक ही टाइम पे और सारे इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्किल्स, इंटरनेट, ये सब आप इससे सीख सकते हैं, आपका नॉलेज इसमें बढ़ेगा और आपका करियर में एडवांसमेंट होगा। कुछ डिसएडवांटेज है इसके ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के, पहली चीज तो ये है कि अगर आप में मोटिवेशन नहीं है या आपकी स्टडी हैबिट अच्छी नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। क्यों, अगर आप सुबह नहीं उठते, क्योंकि सुबह उठते हैं तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां दिन भर पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। अगर आपने कहा मैं डिस्टेंस लर्निंग करूंगा और आप में मोटिवेशन की कमी है, आपकी हैबिट ठीक नहीं है, आप सुबह रात को 2-2, 3-3 बजे तक पिक्चर देख रहे हैं या फिर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों से, और सुबह उठ रहे हैं 9-10-11 बजे, आपके लिए ये ठीक नहीं है। अगर कोई रूटीन स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे अगर आप देखें कोई प्लेलिस्ट देखें किसी की YouTube पे ही मान लीजिए, आप टीचर हो सकता है केवल अपने हिसाब से पढ़ाए, उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या वो नहीं चाहता उसको डिस्कशन करना, तो वो चैप्टर स्किप कर सकता है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्कूल में आप रहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और आप कंफ्यूज होते हैं तो आप उनसे वहीं पूछ सकते हैं। यहां ऐसा नहीं है, अगर जिसने जो बना के दे दिया वो बना के दे दिया, अब उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, वही चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। मान लीजिए किसी ने आपको गलत भी बता दिया, कोई चीज गलत बता दी, फिर आप क्या करेंगे, गलत सीख लेंगे। इंस्ट्रक्टर और क्लासमेट अगर आपके पास नहीं है तो ये एक जरिया नहीं है अच्छी नॉलेज का। आप केवल यूट्यूब या जितने भी मैंने यूडेमी या अन्य अकेडमी, जो भी मैंने नाम लिए, कुछ नाम लिए मैंने, इनसे केवल आप अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं लेकिन अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। यहां केवल आप जानकारी ले सकते हैं लेकिन जानकारी अलग बात होती है, उसे अपने दिमाग में उतारना प्रैक्टिकली, वो आप यहां पकड़ पाएंगे जब अपने दोस्तों से डिस्कशन करेंगे, इंस्ट्रक्टर से बात करेंगे, राइट। जब कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन की बात होती है तो हमेशा आपके पास इंस्ट्रक्टर आपके पास अवेलेबल हो ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्टर बोल दिया, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो या वीडियो, वो आप सुन रहे हैं। अगर वो नहीं है तो आप बात किससे करेंगे, अभी प्रॉब्लम किसके सामने पेश करेंगे अभी प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, पढ़ाई का मतलब ही प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही आप सीखते हैं। अगर आपका इंटरनेट स्लो है, कंप्यूटर ओल्ड है, तो कैसे पढ़ेंगे आप, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा आपको। इसके अलावा जो शुरुआती जो बहुत बिगनर है कंप्यूटर के, वो इनको फाइल को मैनेज करना, ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन सर्च करना, ऑनलाइन चीजों को पढ़ना, उससे समझना, ये थोड़ा सा उनको मुश्किल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप क्लासेस या यूनिवर्सिटीज में लैब करते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा, उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। ई रिजर्वेशन का मतलब यह है कि पहले एक जमाने में, आज से 10 साल 12 साल पहले,
जो ट्रेन की टिकट है उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगती थी। लोग सुबह आ जाते थे 5 बजे, 8 बजे ओपन होता था, लोग लाइन में लगे हुए, उनका पूरा दिन आधा दिन एक टिकट के लिए निकल जाता था। ऐसी एयर इंडिया की केवल हवाई जहाज जब हुआ करते थे, लोग रात से लाइन में लग जाते थे और यहां पर टिकट काउंटर में जब तक उनका नंबर आता था तो टिकट खत्म हो चुकी होती। आज ऐसा नहीं, आपको होटल बुक करना है, रिजॉर्ट बुक करना है, प्रॉपर्टी देखनी है, थिएटर में बुक करना है, पिक्चर देखनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, कैब बुक करनी है, ओला उबर करनी है, तो आपको अपने सिस्टम पे बैठ के कोई परेशानी के बगैर ये सब आसानी से उपलब्ध है। साथ में वेब है आपके और इंटरनेट है, तो आप एक लॉगिन बनाइए, जैसे IRCTC का आप करिए, मेक माई ट्रिप हो सकता है, या किसी एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाइए और फटाफट बुक करिए। नहीं है दूसरी वेबसाइट पे जाइए, एयर इंडिया में नहीं है गो एयर में करिए, गो एयर में नहीं की है नहीं है आप किसी और वेबसाइट में देख सकते हैं, किसी और एयरलाइन में देख सकते हैं, आप सीट रूम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना पैसा लग रहा है, क्या चार्जेस लग रहे हैं आपको। एक ही जगह पे, एक ही समय पे, एक सिस्टम पे बैठे बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है ई रिजर्वेशन के, अगर बिजनेस के हिसाब से देखिए, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो फटाफट यहां पर टिकटें बिक जाएंगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, बीच में एजेंट्स जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका भी, आज भी है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो आपका बच जाएगा, वो आपके ऊपर पड़ता था, अब आपके ऊपर नहीं पड़ता। सामने आपकी सारी चीजें दिख रही है, या इसका मतलब आपको फाइलों में, आपको हैंड प्रिंटेड टिकट ये सब की जरूरत नहीं है, सब चीजें ऑनलाइन आपके ईमेल पे आ जाएगी, आपके मोबाइल पे आ जाएगी, आप मोबाइल लेके जाइए, दिखाइए, बस अपना आईडी कार्ड दिखाइए, काम हो गया। अगर कोई कनाडा में बैठे हुए हैं साहब और वो इंडिया विजिट करना चाहते हैं, वो कनाडा में बैठे बैठे पूरा अपना इंडिया का विजिट प्लान कर सकते हैं, A to Z, कहां से कैसे, केवल केवल और केवल इंटरनेट से या वेब से। ई शॉपिंग जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं, आज आप खाना बुक कराना चाहते हैं, खाना अपने घर में पहुंचवाना चाहते हैं, स्विगी से बुक कर लीजिए। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, पहले आप ऑटो के लिए खड़े होते थे, रिक्शे के लिए खड़े होते थे, अब आप कैब बुक कर लीजिए, ओला है, आपको दिख जाएगी कितनी गाड़ियां हैं। आपको कोई शर्ट खरीदना है, आपको कपड़ा बताएगा वो, आपको साइज बताएगा, कलर प्रॉपर दिखाएगा, उसको आप खरीद लीजिए, आपके घर में पहुंचा के जाएगा। जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपको एम्प्लॉय क्यों ना हायर करना हो, कोई मर्चेंडाइजिंग क्यों ना करनी हो, सब चीजें आपके पास अवेलेबल है। क्लोथ हो, शू, ग्रोसरीज, बुक, कोई और फर्नीचर, होम डेकोर, हर चीज, मैं कह रहा हूं हर चीज अब ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई ऐसी चीज बची नहीं है। यहां तक कि अदरक, साबुन, नींबू, सब चीज आपके घर पर आ जाएगी। बेनिफिट इसकी क्या है, समय आपका कम होगा, बचेगा, लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, जाके अपना समय खराब नहीं करेंगे, घर पे बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था बिजनेसेस को, वो नहीं लगना पड़ेगा, सीधा आप उनके भंडार गृह से आपके घर तक पहुंच जाएगी। चीजें बहुत फास्ट पहुंचती है, आज बुक कराएंगे, अगर आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं या आप अमेजन का यूज करते हैं, आप बुक करेंगे, एक्सप्रेस अगर बुक करेंगे, आपको अगले दिन पहुंच जाएगी। कई मोबाइल्स तो अब केवल इन्हीं वेबसाइट्स पे आते हैं, अब वो आपको स्टोर्स में मिलते ही नहीं। ओके, दूसरा क्या है कि आप पैसे नहीं आपके पास, आप ऑनलाइन पे कर दीजिए अपने क्रेडिट कार्ड से और फिर बाद में क्रेडिट कार्ड का पे करते रहिए, ये फायदे हैं। कैश प्रॉब्लम है, किसी के पास छुट्टा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि तुमने ये दिया, तुमने वो किया, तुमने कम दिया, तुमने ज्यादा दिया, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, आप केवल शर्ट देख सकते हैं लेकिन वो पहन के कैसे लगेगा ये आप नहीं पता कर सकते। जूते आप देख तो लेंगे लेकिन जूते आपको फिट आ रहे नहीं आ रहे, कितने आपको कंफर्ट दे रहे हैं ये आप नहीं पता कर सकते। और बिजनेसेस को अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह लॉजिस्टिक, मतलब आपको भेजना है तो वो डिलीवरी के लिए आपको वो उसका भी चार्ज लगेगा आपको, तो डिलीवरी के लिए बिजनेसेस को मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी चीज अवेलेबल होती है या डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी पे। मान लीजिए बहुत, जैसे मैंने आपसे कहा एक मोबाइल है लॉन्च होना है वो, और आपने कह दिया कि ये क्या फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, सारे के सारे लोग फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे जाएंगे और उसे बुक करने की कोशिश करेंगे, नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि वो अब अवेलेबल ही नहीं है, केवल वो फ्लिपकार्ट पे ही बिकता है, वो अमेजन पे ही बिकता है। फ्रॉड, ऑनलाइन जब जाएंगे आपकी जेब से कब पैसा खिंच जाए, कौन बीच में बैठा हुआ है,
क्या खराबी हो जाए, आप किस किस के पास जाएंगे, कहां कहां दौड़ेंगे। पैसा चला गया, चला गया, उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल करते रहिए, आप एफआईआर करते रहिए, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो नुकसान हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी में अच्छे लोग हैं तो हैकर और क्रैकर भी है। बहुत सारे ई शॉपिंग के पोर्टल्स अवेलेबल हैं, आज कुछ और हो गए हैं, किस पहले कुछ और थे, जैसे होम शॉप 18, naptol.com, ये भी सब है। जैसे मैंने आपको नाम गिनाए, चाहे आप ईबे की बात करें, अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट वगैरह की बात करें, ये सब भी आ गए हैं और ये बड़े पॉपुलर हो गए। जो इंटरफेस होता है ई शॉपिंग के लिए, ई शॉपिंग पोर्टल जहां पर आप बहुत सारी चीजें शॉप कर सकते हैं, एक तो कस्टमर की वेबसाइट का इंटरफेस होगा जिससे आप जो आपके सामने आएगा, वहां पर ऑर्डर मैनेजमेंट होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, कितना खरीदा कितना बेचा। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का शिपमेंट इंटरफेस, क्योंकि अब आपको, आपने जब खरीद लिया तो उसकी डिलीवरी भी होनी है, फिर उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो आगे पेमेंट पूछेगा, पेमेंट के लिए पेमेंट प्रोसेसिंग का गेटवे होगा। उसके बाद जब आप चीजें मिल गई और आपको कहा गया, आपने देखा अरे ये तो टूटा आया है, इसमें तो कोई दिक्कत है, मैंने मंगाया था खेत, आपने भेज दिया खलिहान, तो मुझे सपोर्ट चाहिए आपका, मुझे कंज्यूमर सर्विस, कस्टमर सर्विस चाहिए, वो सब चीजें भी करनी पड़ती। तो ई शॉपिंग ने आज आपके और हमारे चीजों को खरीदने का, चीजों को लेने का सारा तरीका बदल दिया है। आज जो टिपिकल स्टोर शॉपिंग मॉडल है, आप डायरेक्ट होलसेलर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेते हैं, आप बीच में रिटेलर वगैरह नहीं है बीच में, और ये अलग अलग सेवरल अलग लेयर्स है, मतलब अलग अलग लेयर्स है जो इस ई शॉपिंग मॉडल में काम करती है। ई शॉपिंग पोर्टल ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, जहां पर मैन्युफैक्चरर से लेके वो आप तक पहुंचा देता है, या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट ही पहुंचा देता है इस ई शॉपिंग को यूज करते हुए, आपके उसके वेयर हाउस से या उसके भंडार गृह से आपके पास सीधा पहुंचता है। तो बीच के जो मिडिल मैन है उनका काम यहां खत्म हो गया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बाकी जगह तो ठीक है, जहां पॉपुलेशन कम है, हमारे देश में जैसे कई लोग इस पे निर्भर थे, इसी से वो पैसा कमाते थे, आज उनकी जॉब बड़ी खतरे में है। ये सोशल नेटवर्किंग बहुत पॉपुलर है, आप किसी से जुड़ना चाहे, किसी पे, किसी को अपनी दिल की बात कहना चाहे, अपने विचार कहना चाहे, आप कुछ खरीदना चाहे खाने के लिए, आप अपनी नौकरी पाना चाहे, दोस्तों से गपशप करना चाहे, या न्यूज सुनना चाहे, ये सारी चीजें अवेलेबल है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए आप यहां बैठे, आपके पिताजी मान लीजिए इंडिया में बैठे हैं, आप यूएस में, कैसे बात करेंगे आप उनसे, कैसे आप चीजें इनकी जानेंगे। जैसे आपने यहां दिवाली मनाई, उसकी फोटो आपने पोस्ट कर दी, ये सब के सब देख सकते हैं। तो यहां पर पिछले 15 सालों में ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इन सब चीजों की। आप पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या बता रहे हैं वहां पे, अपनी चीजों को दोस्तों के साथ लाइक कमेंट भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है, तो आप एक तरीके से उनके घर में बैठ गए और वो आपके घर में बैठ गए। ज्योग्राफिकली अगर आप दूर भी हो तब भी किसी भी जगह आप हो सकते हैं, तो एक तरीके से आप एक साथ एक वर्चुअल लाइफ में एक साथ रह रहे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट में आप आइडियाज, एक्टिविटी, अपने इवेंट्स, अपने इंटरेस्ट, अपने शौक शेयर कर सकते हैं, और वो ये भी देख सकते हैं कि हमें कौन देखे, हमें कौन ना देखे। आपके अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, बाकी लोगों को आप बार कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, फोटो, डेटा फाइल, वीडियोस शेयर कर रहे हैं आजकल तो सब सारी इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट में वीडियोस है। इसके अलावा बिजनेस, इसी से देखिए फेसबुक क्या है, वो तो फ्री है, और जो भी चीज आपके लिए फ्री है, इसका मतलब समझ लीजिए, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट, मीन्स आप प्रोडक्ट है, फेसबुक क्या प्रोडक्ट है। तो आप जो चीजें देखते हैं फीड में, वो सब आप, या कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उससे फेसबुक या बाकी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वो पैसा कमाते हैं, और इससे उनका घर चल रहा है, इससे आपको फायदा भी हो रहा है, आप फ्री में चीजें पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आप अगर अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया है, आप किसी विधा में महारत हासिल है आपको, जैसे शाहरुख खान साहब हो गए, आपके अमिताभ बच्चन जी हो गए, या आपकी माधुरी दीक्षित जी हो गई, लोगों ने पसंद करते हैं, लोग उन्हें फॉलो करना चाहते हैं, लोग उनकी हर एक एक्टिविटी देखना चाहते हैं, इससे पॉसिबल है।
ई ग्रुप्स, ई ग्रुप्स ये लिस्ट है ईमेल की। अब आप एक ईमेल लिखते हैं, आपको 10 ईमेल टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक ग्रुप बना दीजिए, एक मैसेज भेजेंगे सबको पहुंच जाएगा, सबको एक साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सएप की बात करें, ग्रुप बने होते हैं अलग अलग, उस ग्रुप में आप एक मैसेज डालेंगे, मान लीजिए 500 लोग ग्रुप में जुड़े तो 500 एक साथ देख सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है हर एक का, और वो कंट्रोल करता है कौन इसमें है कौन इसका नहीं। आप केवल ईमेल नहीं, आप फाइल शेयर कर सकते हैं, फोल्डर शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। होता यह है कि एक परमिशन होती है इसमें, एक एक्सेस की, जिसको आपने अलाउ किया है, जिसको ग्रुप बनाया है, वो आपस में एक ही चीज को देख सकते हैं, उस पर उसका संज्ञान ले सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर का बड़ा रोल आता है कि कौन किसको मैसेज भेज सकता है, कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समराइज करते हैं, वेब सर्विसेज का मतलब होता है वो सर्विस जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड कर रहा है। इसमें चैटिंग है, ईमेलिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई ग्रुप और सोशल नेटवर्किंग। ईमेल शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, और ये तरीका है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तीन प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्विस यूज करते हैं। एसएमटीपी है मैसेज भेजने के लिए, पीओपी और आईएमएपी है जो रिसीवर है वो उस मैसेज को कैसे निकालेगा। जो चैट है वो आपस में बातचीत है। इलेक्ट्रॉनिक चैट का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीका है जिसमें कंप्यूटर जो नेटवर्क पे लगे हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वेबकैम और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके एक वर्चुअल आपको एनवायरमेंट देते हैं जिसमें ऐसा लगता है जैसे आप खुद बात कर रहे हैं रियल टाइम में एक दूसरे से। ई लर्निंग एक तरीका है जिससे आपको गाइडेंस मिलता है, आपको कंटेंट मिलता है जिससे आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप कॉलेज के हो, चाहे आप किसी और इसके हो। एक एग्जांपल बताता हूं, एक साहब अभी 2018 की बात करूं तो एक कूली है जो कोचीन ये अपने केरला में है, और वो कूली साहब ने केवल अपने स्टेशन के वाईफाई को यूज करके IAS UPSC का एग्जाम क्लियर किया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही बड़ी बात है। जिसको सारे रिसोर्सेज होते हैं वो भी मुश्किलात होती है उनको, इन्होंने केवल ई लर्निंग का इस्तेमाल करके आज वो IAS बन गए। ई रिजर्वेशन सिस्टम एक तरीका है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का, जिससे आप होटल हो, रिजॉर्ट हो, प्रॉपर्टी हो, खाना हो, पीना हो, ऑपरेटर हो, थिएटर हो, ट्रांसपोर्ट हो, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं वो सब आप बुक कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट का उपयोग करके। ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बहुत बड़ा एक मार्केट हो गया है, एक बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि आपको सहूलियत प्रोवाइड करता है, आपके काम को आसान करता है। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी साइट है जिससे आप, क्योंकि हम सोशल हैं, हम किसी से बात करना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, हम जब शादी करते हैं तो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, ये सोशल है। फिर हमारे रिश्तेदार बनते हैं, फिर उनकी हमारे बच्चों की शादी होती है, और फिर इस तरीके से एक माहौल, एक समाज बनता है और उसी से दुनिया चलती है। सोशल नेटवर्किंग एक तरीका है जिससे आप एक समाज क्रिएट करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिनको लाइक करते हैं और आपस में बातचीत करना चाहते हैं। आप अपने आइडियाज, एक्टिविटी, इवेंट, इंटरेस्ट उनके साथ शेयर करते हैं। इसी तरीके से ई ग्रुप है जिसमें ईमेल्स होते हैं, जिससे आप एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपके वेब सर्विसेज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।